चाहे सिर्फ बनाए मेरे जीवन में सदा। अगर आपको लग रहा है आज की शाम में कि आप जहां पर हैं आप वहां के लिए बने नहीं हैं, कलीसिया में आपको लग रहा है आप यहां के लिए नहीं हैं, ऑफिस में आपको लग रहा है आप इस पोस्ट के लिए बने नहीं हैं, देयर हैज टू बी समथिंग बेटर देन दिस, आई जस्ट कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस, इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ, बिगर बेटर। परिवार में शायद आपको लग रहा होगा आपका जो औदा है वो बहुत छोटा है, आप बहुत कमजोर हैं, पर खुदा के लोगों आइए आज की शाम में उससे कहे प्रभु मैं जैसा हूं तेरी रचना हूं, मैं जहां हूं तेरी योजना है प्रभु, बिकॉज माई फोकस विल नॉट बी ऑन वेयर आई कैन बी बट माई फोकस विल बी ऑन यू जीसस। आइए अपने फोकस को इन तमाम चीजों से कि मैं भी होता मैं भी करता मैं मेरा परिवार, खुदा के लोगों आइए अपने फोकस को यीशु की ओर डायरेक्ट करें और इससे कहें प्रभु मैं जहां हूं तेरी योजना हूं, मैं जैसा हूं तेरी रचना हूं, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में मैं जहां हूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूं तेरी रचना हूं, मेरा जीवन तेरे हाथों में। आइए इसका धन्यवाद करें, तेरे हाथों में तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ बनाए मेरे जीवन में सदा, हाथों को उठाकर तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, let us worship the Lord, glory to God, तू चाहे सिर्फ बनाए मेरे जीवन में सदा, सिर्फ बनाए है तेरी मर्जी, मिलकर गाए सिर्फ बनाए है तेरी मर्जी, है तेरी मर्जी तू मेरा खुदा अभी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे सदा, बलकर गाए तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। अगर आपको नहीं लग रहा है कि कोई धन्यवाद का विषय है, भाई आप जहां हैं वहीं पर हैं, पता नहीं कितने सालों से कितने समय से वहीं बने हुए हैं, God's people let us be thankful, आइए जहां पर नहीं है उस जगह को ना देखें परंतु जहां है उसको देखकर खुदावंत का शुक्रिया अदा करें। Where we are, let us be thankful unto the Lord. Many times our focus is not clear. We just want to see where we want to be. The boss comes and he asks, वो पूछता आकर अगले पांच सालों में अपने आप को कहां देखते हो? दुनिया कहती है अपने आप को कहां देखोगे? अपने आप को कहां देखोगे? खुदा के लोगों बाइबल से आज की शाम इस बात को आपको भरूंगा,
इस बात पर गौर करिएगा कि खुदा आपके जीवन में कहां पर है। अगले 5 सालों में खुदा आपकी जिंदगी में कितना और काम कर चुका होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो खोल दीजिए अपनी आंखों को, बंद करिएगा और अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि एक मिशन मेरे पास है आपके लिए और अपने लिए।